कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद कौन होगा पंजाब का अगला कप्तान? पंजाब को लेकर कांग्रेस हाईकमान की क्या है रणनीति? कैप्टन के जाने के बाद क्या पंजाब कांग्रेस में सुलझ गए हैं सारे विवाद? चिन्ना जीयर स्वामी ने पीएम से मुलाकात क्यों की? फिर सजे आईपीएल के मंच में आज किससे होगी भिड़ंत? देश की सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। पंजाब में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्र के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुनील जाखड़ प्रदेश के अगले सीएम हो सकते हैं। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का नाम राहुल गांधी के करीबियों में लिया जाता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को बतौर सीएम आगे नहीं करना चाहती है। पंजाब सरकार में दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा। इस रेस में पूर्व कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी विधायक राजकुमार वेरका का नाम आगे चल रहा है। वहीं दूसरा डिप्टी सीएम सिख समुदाय से हो सकता है। इसे लेकर सिद्धू के करीबी पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सामने आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बावजूद पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ के नाम पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अड़ंगा लगा दिया है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस ने आज फिर विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में अजय माकन, हरीश चौधरी के अलावा हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। कैप्टन अमरिंदर का कहना है कि कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान से हथियारों को पंजाब भेजा जा रहा है। बावजूद इसके सिद्धू के पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध है। पाक का पीएम सिद्धू का दोस्त है, जनरल बाजवा भी सिद्धू का साथी है। पंजाब संकट के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस आलाकमान को मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल शशि थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस में तत्काल नए अध्यक्ष चुने जाने की मांग की है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी खुद पद छोड़ने की इच्छा जता चुकी है। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो ये भी तुरंत होना चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि अफगान संकट को लेकर प्रिंस फैसल दिल्ली पहुंचे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री 20 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि प्रिंस फैसल NSA अजीत डोवाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बड़ी बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक 4 घंटे से भी अधिक समय तक चली। इस बैठक में पीएम मोदी ने सरकार की तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। माना जा रहा है कि सचिव स्तरीय बैठक के बाद मंत्रालयों के अंदर जल्द ही बड़ा ब्यूरोक्रेटिक बदलाव हो सकता है। 11वीं सदी के हिंदू धर्म शास्त्री श्री रामानुजाचार्य की स्मृति और सम्मान में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। श्री रामानुजाचार्य स्वामी की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसे लेकर रामानुज संप्रदाय के मौजूदा आध्यात्मिक प्रमुख श्री श्री त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें समारोह में आने के लिए न्योता दिया। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है। टूर्नामेंट के बचे हुए 31 मैच UAE में खेले जाएंगे। वहीं दूसरे हिस्से का पहला मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जबकि इस सीजन का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से 4 मई को इंडियन प्रीमियर लीग को स्थगित करना पड़ा था। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।